क्या हो गया चलते हैं आज चलते हैं क्लास खत्म होने के बाद ओके वी आर लाइव नाउ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से जुड़ जाइए ताकि क्लास स्टार्ट की जा सके हरे आप आवाज आ रही है चेक करके बताइए एक बार कोई इशू तो नहीं है किसी को आवाज के साथ में आई एम आडिबल टू यू आवाज चेक कीजिए ओके फाइन अभी तक किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है चलिए शुरुआत करते हैं वैसे मॉर्निंग की क्लास काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है बेचारे बच्चों के लिए उठ के आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है धीरे 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 बहुत स्लो एंड स्टडी आगे चलते हैं ओके okay. चलिए बताइए कौन कौन प्रेजेंट है नाम बताइए एक बार अपने प्लीज चलिए धीरे धीरे आएंगे चलिए आज की शुरुआत आज के थॉट ऑफ द डे के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं आज की क्लास की स्टार्टिंग थॉट ऑफ द डे से शुरू होने वाली है थॉट ऑफ द डे क्या है देखते हैं सबसे पहला आजकल इंडिया के अंदर ना दोस्तों हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी बच्चा 18 साल से उनतीस साल तक की एज को कवर करता है उन सबके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जीवन में ख्वाब तो बहुत देखते हैं ख्वाब बहुत देखते हैं पूरे दिन आंखें कर भी ख्वाब देखते हैं लेकिन समस्या क्या आती है कि उन ख्वाबों को जैसे ही वो दूसरे दिन के लिए आंखें बंद करते हैं तो ख्वाब बदल जाते हैं मेहनत करने का जो मौका होता है उन ख्वाबों के लिए वो नहीं कर पाते हैं जिसलिए वो सिर्फ और सिर्फ ख्वाब ही रह जाते हैं अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की शुरुआत हम एक बहुत अच्छी लाइन से करने वाले हैं इसका डे क्या है कि यानी आपके लिए आपकी एस सी हो सकता है यूपीएसआई हो सकता है या कोई भी डी ट्रिपल एस बी या ऐसा एग्जाम हो सकता है जिसके लिए आपने अपने आप को एक ख्वाब में देखा होगा सोचा होगा कि हम कुछ बनना चाहते हैं जीवन में कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो भाई मंजिलें उन्हें नहीं मिलती हैं जिनके ख्वाब बड़े होते हैं ख्वाब बड़े होते हैं बल्कि मंजिलें उनको मिलती हैं जो उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए ना अपनी उस जिद पर अड़े रहते हैं जिन्हें आंखें बंद करने के बाद भी सिर्फ पेपर दिखाई देता है और उस पोस्ट पर वो अपने आप को बैठा हुआ देखना चाहते हैं जिसका उन्होंने ख्वाब देखा है हर बच्चे के साथ ये सबसे बड़ी आवश्यकता है सवा करोड़ प्लस की आबादी है दोस्तों ख्वाब हर व्यक्ति देखता है रेस में जीतना हर कोई चाहता है लेकिन जीत ता वही है जो सबसे ज्यादा कठोर परिश्रम करता है अपने शरीर को हर उस तरीके से तपाने की कोशिश करता है जिससे वो अपने आप में एक चमकता हुआ सितारा बन जाए तो चलिए आज की शुरुआत के अंदर आज हम क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सुन लीजिए आज की क्लास का जो टॉपिक होने वाला है इसके अंदर दोस्तों नाउन एंड नंबर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये है सबसे पहला टॉपिक नाउन एंड नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो पाएंगे आज हम उनको सॉल्व करेंगे इसके बाद में हमारा सेकेंडरी टॉपिक जो होगा वो होगा नंबर टू पर नाउन एंड जेंडर नाउन एंड जेंडर में भी हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा नाउन एंड केस का जिसमें हमने लास्ट क्लास में बच्चों को सेंटेंस की फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ चीजें छोड़ी थी वो हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में कवर करें अच्छा इसके बाद में प्रीवियस क्लास के अंदर दोस्तों हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 200 क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट सेंड कर दिया है इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक नहीं दो नहीं टिल सैटरडे तक का टाइम है सैटरडे तक का टाइम है सैटरडे को उन क्वेश्चंस को नाउन को डिस्कस करने के लिए हम एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें पूरे नाउन का रिवीजन कराएंगे और रिवीजन कराने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि उसके अंदर आपका पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रिपेयर हो जाएगा आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे नाउन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो धीरे धीरे करके हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो छूटेगा आकाश गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई आज का जो टॉपिक है अब हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्लास पे दोस्तों नाउन एंड नंबर की जब हम बात करते हैं तो भाई नंबर से वैसे तो बच्चे नंबर को दो प्रकार से देखते हैं एक तो नंबर को देखते हैं काउंटिंग के बाद में हम उस चीज को काउंट नहीं कर रहे हम यहां पर केवल दो ही पॉइंट यूज कर रहे हैं एक पॉइंट यूज कर रहे नंबर के अंदर सिंगुलर का एस एल का मतलब होता है सिंगुलर और सिंगुलर के बाद दूसरा वर्ड आता है पी PL एल यानी प्लूरल सिंगुलर और प्लूरल हमारे पास केवल दो ही वर्ड हैं तीसरा वर्ड हमने नहीं पढ़ना है दो ही वर्ड है तीसरा कोई वर्ड होता ही नहीं है अब सिंगुलर में भी दो प्रकार के सिंगुलर आते हैं यदि हमसे कोई कहता है तो सिंगुलर में दो प्रकार के सिंगुलर आते हैं एक वो सिंगुलर नाउन होते हैं जो हमेशा ऑलवेज सिंगुलर ही रहते हैं उनमें आप किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं जबकि एक तरीके में सिंगुलर वो होते हैं जो एस लगाकर प्लूरल बनाए जा सकते हैं तो हम दोनों ही सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं तो सिंगुलर की कैटेगरी में हमने सबसे पहला पॉइंट आपके सामने क्या रखा है कि दोस्तों आपके नाउन की लिस्ट के अंदर अक्सर एग्जामिनर इन सभी शब्दों से सवाल पूछ लेता है तो इन सभी शब्दों से सवाल यदि पूछता है तो यह बात याद रखिएगा कि ये सभी शब्द सिंगुलर हैं। जैसे सीनरी पोएट्री फर्नीचर एडवाइज इंफॉर्मेशन हेयर बिजनेस स्टेशनरी क्रॉकरी इक्विपमेंट ब्रेकेज एक साथ याद करना अप्रोक्सीमेटली इंपॉसिबल हो जाता है अप्रोक्सीमेटली इंपॉसिबल हो जाता है क्योंकि भाई ह्यूमन माइंड है हम सारी चीजें याद नहीं कर सकते लाखों वर्ड है तो सबको दिमाग में रखने की जगह उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा जो वर्ड जितने भी वर्ड सफिक्सिस लगाकर बने हुए हैं उन वर्ड्स को याद करने की जगह एक पहचान बना लो कि जिस वर्ड को ब्रेक करने के बाद में भी आपके पास एक नया वर्ड आता है या एक वर्ड पेंडिंग रह जाता है तो उस वर्ड को आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं उन वर्ड्स को प्लूरल नहीं बना सकते हैं जैसे सीनरी के अंदर सीन को आप अलग करेंगे तो आर वाई बचता है आर वाई एक अफिक्सिस है यानी एक सफिक्स है आर वाई लग गया तो ई एस लगाने की यहां पर कोई आवश्यक शक्ति कोई जगह या सिचुएशन पेंडिंग नहीं रह जाती है राम राम भाई राम राम गुरुजी शिवांश शर्मा जी आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट को देखना है डिवाइड करते हैं जैसे पॉइंट से बना पोएट्री तो पोएट के आगे आर वाई सफिक्स लगा तो इसका प्लूरल नहीं बन सकता है एडवाइज सिंपल वर्ड है एडवाइस में कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है एक बार एक बच्चे ने सवाल भी पूछा था वो जवाब सुन लीजिए एडवाइज ये वाला ये एक नाउन है जबकि ए डी वी आई ए डी वी आई ई ए डी वी आई एस ई वर्ब होता है ये बात याद रखिएगा ए डी वी आई ई वर्ब होता है और वर्ब होता है तो याद रखना है ये नाउन है ये वर्ब है ये वर्ब है तो इसके आगे आप डी लगा सकते हैं एस या एस लगाकर इसे सिंगुलर या प्लूरल की पोजीशन पर रख सकते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है लेकिन इस वाले एडवाइज में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं याद रखना है इनफॉर्म जैसे एक वर्ब है तो इनफॉर्म के आगे सफिक्स लगा हेयर बिजनेस मिस्चीफ ब्रेड स्टेशनरी स्टेशन से स्टेशनरी बना क्रॉकरी लगेज बैगेज पोस्ट से पोस्टेज बना तो ये काफी लंबी लिस्ट है तो सारे वर्ड याद मत कीजिएगा याद करने की जगह पहचान बना लीजिए कि जिसके आगे सफिक्स जुड़ा हुआ है उस शब्द का कोई भी प्लूरल नहीं बन सकता हां यहां पर एक शब्द है वर्क ये वर्क होता है घर के कामकाज जबकि ये वर्क्स होता है उपन्यास ये वर्क्स होता है उपन्यास ये बात याद रखना है उपन्यास जो राइटिंग के पार्ट्स होते हैं या जो नॉवेल्स होती हैं या वो सेक्शंस होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते नॉवेल्स को काउंट किया जा सकता है बाकी चीजों को काउंट नहीं किया जा सकता तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉइंट के साथ साथ हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करते चलते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास यहां पर चार क्वेश्चन हैं चार क्वेश्चन है इन चारों क्वेश्चन को एक एक करके हम स्टडी करते हैं पहले आपके लिए और स्टडी करने के बाद में फिर हम आपसे आंसर्स को डिस्कस करेंगे यदि आपको कोई डाउट लगे कोई क्वेरी हो मैसेज कीजिए हम आपके आंसर डाउट क्वेरीज को डिस्कस करेंगे सबसे पहला मैंने क्वेश्चन दिया दीज़ दीज़ एक प्लूरल वर्ड है और गलती हमें ढूंढनी है इक्विपमेंट से या पीसेस ऑफ इक्विपमेंट में गलती हमें ढूंढनी है कि दोनों में से एक का चुनाव करना है क्योंकि अभी अभी हम टीच कर कर रहे हैं, कर रहे हैं हैं स्टार्टिंग तो तो हमें बेसिक कंपोनेंट समझना है कि है कि यदि सब्जेक्ट आगे आने वाला जो भी नाउन होगा या वर्ब होगा वो प्लूरल ही चलेगा वो कभी सिंगुलर नहीं जाएगा वो यदि सिंगुलर नहीं जाएगा तो आपको इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है आगे हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल है यानी कि इन दोनों में से कोई एक वर्ड प्लूरल आएगा लेकिन जब आप इक्विप को पढ़ तो रहे हैं -E एक एक है, -E तो बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन और यदि वो नाउन बन गया, तो नाउन है, उसको प्लूरल नहीं बना सकते जब प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं तो उस परिस्थिति में आपका ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा लेकिन प्लूरल तो हमें बनाना ही है तो एक तो रहेगा अनकाउंटेबल नाउन और उससे पहले आप यूज करेंगे पीसेस ऑफ़ 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 टाइप्स आइटम्स ऐसे फ्रेज़ेस का यूज कर सकते हैं आप उसको प्लूरल बनाने के लिए यानी कि उसका कोई प्लूरल नहीं बनता है ये बहुत तो सिंपल सा पॉइंट है अंश गुड मॉर्निंग आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट वंस इंपॉर्टेंट वंस के बाद क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू बहुत ध्यान से देखते जाइएगा आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर टू जब हम देखेंगे तो हमें बहुत आसानी से इनके पॉइंट समझने में आ जाएंगे इसमें भी आपको कोई एक ऑप्शन पिक करना है अब असलियत में एक ऑप्शन पिक करना है तो देखते हैं देयर आर देयर आर के बाद एक वर्ड आया सो so. सो so का इस्तेमाल मैनी के साथ भी होता है सो so मैनी और सो so का इस्तेमाल मच के साथ में भी होता है तो कोई भी बच्चा सो so को देखकर एक माइंड में परसेप्शन नहीं बनाएगा कि सो so के साथ केवल यही शब्द आएगा ऐसा नहीं है सो so के साथ मैनी भी यूज होता है जैसे सो मैनी स्टूडेंट्स सो मच नॉइज ऐसे दोनों वर्ड सही हैं दोनों वर्ड्स यूज होते हैं लेकिन आगे वर्ड है फिल्थ फिल्थ एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है कूड़ा कचरा गार्बे या वो चीजें जो एक ढेर बनाकर रखे जाते हैं ये एक सेक्शन आपका अनकाउंटेबल वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है जब यहां पर फिल्थ की बात आती है है तो ये एक अनकाउंटेबल वर्ड इसका अर्थ हम आपको बता चुके हैं कूड़ा कचरा या वो चीजें जो इस्तेमाल की नहीं है लेकिन एक ढेर में बनाकर फेंक रखी है तो जब अनकाउंटेबल है तो पहली बात उसको प्लूरल नहीं बना सकते दूसरी बात क्या है कि मैनी का प्रयोग उन शब्दों के साथ करेंगे जो चीजें काउंटेबल है जिन चीजों को गिना जा सकता है तो जाहिर सी बात है यह भी एक शब्द गलत हो गया क्योंकि फिल्थ एक अनकाउंटेबल वर्ड है अब फिल्थ यदि अनकाउंटेबल है तो आप उसके साथ में मच का प्रयोग कर सकते हैं तो आप उनके साथ में मच का प्रयोग कर सकते हैं सो मच फिल्थ आएगा मैनी राधे राधे गुरुजी भाई साहब राधे राधे धन्यवाद चलिए आगे बढ़ते हैं मच फिल्थ आएगा मैनी फिल्थ नहीं आएगा आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दो चीजें ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हुए दो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपने क्या ध्यान रखना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन को पढ़ने से पहले एक चीज याद रखिएगा कि वन ऑफ का प्रयोग हमेशा तब किया जाता है जब हमें सैकड़ों चीजें हो हजारों चीजें हो और हजारों चीजें या एक से ज्यादा चीजों और उनमें से किसी एक का चुनाव करना हो याद रखना है सभी ने कि कहीं भी लिखा आता है वन ऑफ दा, तो सदैव उसके बाद में प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होता है उसके बाद में सदैव प्लुरल नाउन का ही प्रयोग होता है और उसमें हम कहते हैं कि काफी सारी चीजों में से एक अच्छा उसके बाद में जब हमारा सब्जेक्ट ही एक है तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है अब उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई किताबें रखी हैं बहुत सारी अलमीरा में शेल्फ में आप जाकर उन सभी किताबों में से कोई एक किताब ले आइए जब आपने कहा कोई एक किताब कई बार ऐसा होता है कॉलेज में लड़के खड़े होते हैं बहुत सारी गर्ल्स होती है और कहते हैं उनमें से एक लड़की मेरी नेबर है या मुझे पसंद है या कुछ इस टाइप की वर्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो जब आप ऐसे वर्ड्स का यूज कर हैं तो उस परिस्थिति में वन ऑफ द का यूज होता है वो बच्चे भी सीख लेंगे जिनको अपने इस वर्ड का पर्सनल लाइफ में यूज करना है तो इस चीज को समझिएगा कि वन ऑफ द के बाद में सदैव प्लुरल नाउन आता है याद रखना है कि किसी भी चीज में से एक चीज आप तभी निकालेंगे जब एक जगह पर ज्यादा वस्तुएं होंगी ज्यादा चीजें होंगी एक से ज्यादा की संख्या होगी तो अब आपके पास एक पॉइंट तो हो गया कि वन ऑफ द वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन आएगा चलो जी हम ये समझ गए हैं अब चलो वन ऑफ द के बाद में जब प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा तो पहले हमने नाउन देखना है नाउन देखा तो ऑफ नाउन नहीं है हर नाउन नहीं है ई एस टी सदैव एडजेक्टिव में डिग्री के साथ इस्तेमाल होता है तो आगे एक ही नाउन आता है बिलीफ आगे एक ही नाउन आता है बिलीफ और बिलीफ की बात करते हैं तो आदमी के या इंसान के अलग अलग अवधारणाओं को लेकर बहुत सारे बिलीफ है हिंदू धर्म में मुस्लिम धर्म में क्रिश्चियनिटी के अंदर किसी भी रिलीजियन की जब आप बात करते हैं तो हर परिस्थिति को लेकर उनका एक बिलीफ है बिलीफ है तो अगर हम बात करें बिलीफ तो हर परिस्थिति के बिलीफ बहुत सारे हो सकते हैं काउंट किए जाए तो उस परिस्थिति में यहां पर इसे सिंगुलर नहीं होना चाहिए इसे प्लूरल होना चाहिए यह बात आपने याद रखनी है बिलीफ हो जाएगा बिलीफ की जगह पर यहां पर यह एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बनता

कॉमन सी चीज ये है कि हम सभी का ही तो मानना है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया है हम कर्म करेंगे और कर्मों का फल जो है मरने के बाद भी और जीते जी भी भुगतना पड़ेगा जैसे कोरोना है जाहिर सी बात है इंसान ने प्रकृति के साथ छेड़खानी तो आज के दिन हम सभी भुगत रहे हैं किसी ना किसी परिस्थिति के आधार पर खैर आगे बढ़ते हैं अब ये मत कहना सर की खाने से आया ये पीजे से मत कीजिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर ये वाला क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर एक बार आप रीड करके एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए देखते हैं कितने विद्यार्थी को देख सकते हैं याद रखिएगा है ये क्वेश्चन जो है नंबर से परिस्थिति से से नहीं है नंबर रिलेट नहीं करता है मैं एक बार आपके लिए रीड कर देता हूं व्हेन आई एंटर बेडरूम आई सॉ स्नेक स्नेक सांप क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड कई बच्चे इसे स्नेक या स्नैक्स को बोलते हुए कंफ्यूज होते हैं आपने याद रखना है ये एक लेजी वर्ड बनता है स्नेक ठीक है स्नैक्स ये डिफरेंट साउंड करेंगे ये बात याद रखिएगा अब इस सेंटेंस को फोकस कीजिए आंसर देने की कोशिश कीजिए आपके पास टोटल थर्टी सेकेंड है इस क्वेश्चन के लिए आंसर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों जब तक कोशिश नहीं करोगे सवाल नहीं बनेंगे सवाल नहीं बनेंगे तो आप उसी जगह पर आकर खड़े हो जाएंगे जीरो से आए और जीरो पे ही खड़े हो गए तो कोशिश कीजिए आंसर करने का लगता है किसी को समझ में नहीं आया भाई इक्वेशन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है बिल्कुल अलग है एंटर्ड ये बच्चा हमेशा वर्ब की मिस्टेक निकालता है रंजीत बच्चा कोई बात नहीं रंजीत अभी बात करते हैं एंटर्ड नहीं है मिस्टेक याद रखिएगा जब भी हम वेन का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस के लिए मोहम्मद कैफ भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक है आगे ध्यान दीजिएगा वेन का इस्तेमाल जब भी हम करते हैं तो वेन हमेशा अतीत में हुए इंसिडेंट्स की बात करता है पास्ट में हुए जितने भी इंसिडेंट्स हैं वे हमेशा उसको इंडिकेट करता है और जब इंसिडेंट पास्ट में है तो आगे हमेशा वर्ब की का होगा। वर्ब की की फॉर्म फॉर्म का का यूज यूज होगा होगा तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है आई द बेडरूम इसमें कोई मिस्टेक नहीं है आगे देखते आई अ स्नेक मैं बेडरूम में आया हूं याद रखिएगा और मैंने स्नेक देखा है स्नेक सिंगुलर है तो आ लगा कोई दिक्कत नहीं है रिंगने को क्रॉलिंग कहते हैं रिंगने को कहते हैं वन आई एंटर्ड दौ सो गलती है इसकी शुभम गुड मॉर्निंग सो गलती है नहीं सो गलती नहीं है सौ यानी मैंने नोटिस किया मैंने देखा इसमें सौ गलती नहीं है आकाश इसमें एक्चुअल में गलती है ऑन 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 स्क्रॉलिंग ग्राउंड ग्राउंड एक्चुअल में मिस्टेक है यहां पर ग्राउंड का क्योंकि घर में जब आप बेडरूम में एंटर कर रहे हैं तो वहां पर ग्राउंड में नहीं देखेंगे अगर आपको स्नेक दिखाई दिया है तो वो दिखाई दे सकता है आपको फ्लोर पर याद रखना है फ्लोर और ग्राउंड में डिफरेंस क्या होता है ग्राउंड समतल भूमि होती है जिसके ऊपर कोई एडिफाइस नहीं होता है कोई बिल्डिंग नहीं होती है ग्राउंड मैदान होता है अब आप कहेंगे नहीं सर ग्राउंड फ्लोर होता है तो आप ग्राउंड फ्लोर में उसके लेवल्स की बात कर रहे हैं ना कि मैदान की बात कर रहे हैं और यहां पर यह ग्राउंड जो है कोई लेवल नहीं दिखा रहा है यह मकान के अंदर आने वाला फ्लोर दिखा रहा है जब ये फ्लोर दिखा रहा है तो उस परिस्थिति में याद रखिएगा फ्लोर का ही इस्तेमाल होगा ना कि ग्राउंड का ये चीज याद रखना है चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और भी हमारे स्टूडेंट से रूफ और में क्या होता है? आपने मुझे करके बताना है रूफ और टेरेस में क्या डिफरेंस होता है कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं रूफ और टेरेस का मुझे आंसर कीजिएगा क्या डिफरेंस होता है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पॉइंट नंबर टू हमारा शुरू होता है पॉइंट नंबर टू दोस्तों जिसको टॉपिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है लाइक like करते जाइए और जिसको दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन पूछिए दोस्तों आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है ना साथ में कमेंट कीजिए नहीं समझ में आ रहा कोई भी क्वेश्चन है देन प्लीज आस्क मी आई विल आंसर डेफिनेटली बट ध्यान से जो पसंद कर रहा है प्लीज इसे लाइक like करते जाइए हमारा भी मनोबल बढ़ता जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर टू अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ऑलवेज सिंगुलर का अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा किस चीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा ऑलवेज सिंगुलर का ऑलवेज सिंगुलर का मतलब था जिसके अंदर हम किसी भी परिस्थिति में उसको एस ई एस आई ई एस जैसे शब्दों का प्रयोग करके प्लूरल नहीं बना सकते जब हम उसे प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं तो उस परिस्थिति के अंदर हम उसे ऑलवेज सिंगुलर कैटेगरी में रखते हैं कॉन्सेप्ट हमने दूसरा भी इसके अंदर बताया था कि जब हमें सिंगुलर को प्लुरल बनाना है तो आप फ्रेजे का यूज कीजिए जैसे पीस ऑफ पार्ट ऑफ टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ ऐसे फ्रेजेज का यूज कीजिए जैसे ही आप उन फ्रेजेज का यूज करेंगे ऑटोमेटिकली वो चीजें अनकाउंटेबल से काउंटेबल वाली परिस्थिति में आ जाएगी चलिए ये तो पॉइंट पड़ा हमने अब अब दूसरा पॉइंट आता है कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल प्लूरल काउंट होती हैं ऑलवेज उन्हें कभी भी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो चीजें गठ जोड़े से बनती हैं पेयर से बनती है दो चीजें चिपकाने के बाद बनती हैं वे चीजें सदैव प्लूरल होती हैं जैसे आप मेरा चश्मा देख सकते हैं अब अगर एक हिस्सा टूट जाए सपोज लेफ्ट सेक्शन का या राइट right सेक्शन का सेक्शन का एक भी ग्लास टूट जाए तो ग्लास टूटने के बाद ऑब्वियसली जो चश्मा है स्पेक्टिकल्स है वो वेस्ट हो जाएगा यूजलेस हो जाएगा बिल्कुल काम नहीं आएगा ट्राउजर दो पैरों के लिए बनती है अगर एक ट्राउजर का एक ट्राउजर का एक हिस्सा फट जाए तो उस परिस्थिति के अंदर वो भी चीज यूजलेस हो जाएगी वो काम की नहीं रहेगी तो जो चीजें पेयर से बनती है तो हमारे पास यहां पर बहुत सारे हैं। मैं इनमें से कुछ पेयर्स पढ़ देता हूं सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है कि जब भी आपके पास इस तरीके के पेयर्स आते हैं आप उसको प्लूरल को और प्लूरल नहीं बना सकते हैं। पहला वर्ड याद रखिएगा कि कुछ वर्ड जो है यहां पर लिखे हुए जो स्क्रीन पर है वो प्लूरल है उनको और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता कॉन्सेप्ट मैंने बताया क्योंकि वो पेयर से बनते हैं दो चीजों के जोड़ से या मल्टीपल चीजों के जोड़ से बनते हैं तो उसका प्लूरल नहीं होता है ये चीज आपने याद रखना है। अब चलिए देखते हैं जैसे सबसे पहला वर्ड हमारे पास आता है सीजर्स का सीजर का मतलब क्या होता है हम बोलते हैं सीजर लेकिन ये एक्चुअल में जब हम सीजर बोलते हैं तो ये जूलियस जाता है एक्चुअल में इसका मीनिंग या प्रोनाउंसिएशन होता है scissors, यहां पर इसकी प्रोनाउंसिएशन होता है सीजर्स का तो जब हमारे पास बात आती है सीजर्स की सीजर्स यानी कैची टोंग्स चिमटा पेंट्स, सॉक्स बैंगल्स बैंगल्स के बाद आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं सेविंग्स हो गया आउटस्कर्ट हो गया आर्काइव हो गया एरियर हो गया कंग्रेचुलेशन से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों थैंक्स हम बोलते हैं ये हमेशा क्वेश्चन लेकर आता है ट्रूप सेना हमेशा क्वेश्चन लेकर आता है वैल्यूएबल्स, वेजेस सेविंग्स बिलोंगिंग्स ये सब हमारे वर्ड जो है सदैव प्लूरल रहेंगे अब चश्मे की बात करी तो जो चीजें तो प्लूरल है हमेशा प्लूरल कैटेगरी में है तो उनको सिंगुलर नहीं बना सकते अब एक बच्चे के दिमाग में आएगा कि सर फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी कैसे कि भाई पेंट्स बोल रहा हूं लेकिन लेना मुझे एक पेर है एक पेंट है तो मैं कैसे बोलूंगा बहुत सिंपल है कोई कंफ्यूजन नहीं है तब भी आप बोल सकते हैं अपेयर ऑफ पेंट अपेयर ऑफ फीजर्स अपेयर दिखते के साथ ही सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप एक पीस की बात कर रहे हैं आप एक पीस की एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जैसे की बात करते हैं तो दोनों हाथों को बांधने के लिए बनाया जाता है तो वो वर्ड हमेशा प्लूरल रहेगा वो कभी सिंगुलर नहीं बन सकता है। ये चीज फोकस करते चलेगा अब जब हमारे पास ये चीजें आ गई प्लूरल है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई काम बन जाएगा हमारे लिए अब क्वेश्चन है द ब्यूटिफुल अब दो के साथ ब्यूटीफुल लिखा है तो ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया अब एडजेक्टिव के बाद आगे नाउन आ गया और नाउन लिखा है सराउंडिंग आगे नाउन लिखा है सराउंडिंग अब नाउन जैसे सराउंडिंग लिखा है तो अभी हमने दो मिनट पहले बताया कि कुछ वर्ड हमेशा रहते हैं उनको किसी भी सिचुएशन में आप सिंगुलर नहीं बना सकते आप सिंगुलर नहीं बना सकते तो जब सिंगुलर बना ही नहीं सकते हैं तो उसकी स्पालिंग में भी चेंज नहीं किया जा सकता है तो द ब्यूटिफुल सराउंडिंग अब इस सराउंडिंग को बताना है तो किस चीज की सराउंडिंग है ऑफ द प्लेस आई एम सॉरी एंटेटेड मी अगला क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ही बनता है इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए आपको बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर टू को एक बार पढ़कर देखिए काफी आसान लगेगा याद रखिएगा जो लड़ा ही नहीं सवालों से वो कैसे बताएगा कि मैं जीता या हारा कैसे पता चलेगा कि मुझे कुछ समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन नंबर टू देखिए आपके पास टोटल एक मिनट है आंसर कीजिए क्या गलती हो सकती है जल्दी से आंसर कीजिए लगता है इंग्लिश हमारे विद्यार्थियों के लिए काफी कठिन सब्जेक्ट है काफी डिफिकल्ट है रिप्लाई नहीं करते हैं बच्चे चलिए रिप्लाई तो नहीं आया खैर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं अपना आंसर देखेंगे क्वेश्चन के बाद में सबसे पहला वर्ड आया हमारे पास फिजर्स जर्स को हमने काउंट किया और दो मिनट पहले बताया कि वो एक प्लूरल वर्ड

ड्रॉर्स आ जाएगा नहीं ऐसा नहीं है दो मिनट दीजिए कैफ साहब इसमें ड्रॉर्स का मिस्टेक नहीं है आ, ये बच्चे दुष्यंत जी अभी कुछ शायद लिख रहे हैं इन्होंने डॉट डॉट डाल दी कोई बात नहीं यहां पर ध्यान दीजिएगा दिजर्स को डिफाइन करने के लिए एक वर्ड आया दैट यू हैव आस्क फॉर जिसकी आपने डिमांड की है जिसकी आपने डिमांड की है यानी यहां पर फिजर्स हो गया सब्जेक्ट सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए ये हो गई उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन ये यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई तो सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है आपका ये देखिए यहां पर सब्जिक के लिए आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है कहां पर आ रहा है एक गैप के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन के बाद में जब के बाद में आ रहा है, तो दोस्तों हमारा अकॉर्डिंगली तो ही इस्तेमाल होगा तो यहां पर इसकी जगह आर का यूज किया जा सकता है इसकी जगह आर का यूज होगा इसका यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा बताता हूं स्पेसिफिक है सिजर्स स्पेसिफिक है सिजर्स क्योंकि जब व्यक्ति ऑफिस में या कहीं भी बात करता है और एग्जैक्टली exactly लोकेशन बता रहा है तो वो लोकेशन बताते के साथ ही चीज तो स्पेसिफिक हो गई जब आप एक्सैक्टली exactly कह रहे हैं कि यहां पर ही है सर दा नहीं आएगा नहीं कैफ साहब यहां दा भी आएगा क्योंकि आप किसी स्पेसिफिक चीज की डिमांड कर रहे हैं आप किसी स्पेसिफिक चीज की डिमांड कर रहे हैं सपोज कीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं और आपको एक्जेक्टली exactly पता है कि ऑफिस में सीजर यहीं पर रखा है तो ऑब्वियसली आप उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे कभी कंफ्यूजन हो जाए तो याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में जब उस वर्ड का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है एड्रेस दिया जाता है एड्रेस दिया जाता है तो उस परिस्थिति के अंदर यहां पर आप क्या करेंगे उसको डेफिनेट बना देंगे आई रिपीट जब भी किसी सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है तो, आप क्या करेंगे? उसको बना देंगे और करेंगे. तो यहां पर वर्ड आ गया यहां पर क्या वर्ड आया है तो यहां पर एक वर्ड आया सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा वो सिंगुलर नहीं रहेगा अगर मैं इन सभी वर्ड्स को हटा भी तू तो, तो सिजर्द प्लूरल है तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा अब आप बात कर रहे हैं इन द डेस्क ड्रॉर डेस्क डर अब एक ड्रॉर एक में हो सकती है दूसरी चीज ये पॉसिबल है कि आपके पास में डेस्क में एक ही ड्रॉर हो तो उसको काउंटेबल और आप प्लूरल बना सकते हैं ड्रॉर भी हो सकता है ड्रॉर भी हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है इन द बेडरूम तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा एक बच्चा यहाँ पर है बहुत अच्छा मैंने कैफ को साहब बोला तो बच्चा भी साहब बोल रहा है बेटा दैट इज द रिस्पेक्ट जो हर बच्चे को दिया जाता है कोई दिक्कत नहीं कॉपी कर सकते हैं आप हो सकता है कुछ सीख जाए बट अगला क्वेश्चन सीखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा ये क्वेश्चन दो बार आया हुआ है आपके सी एच एस एल के एग्जाम के अंदर और एक एग्जाम जो था आपका हरियाणा सेक्शन का स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछा गया था एक्जेक्ट इटली द सेम इक्वेशन पूछा गया था तो देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आए और फिर आप इसका आंसर कीजिएगा जल्दी से ठीक है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है यहां पर आई नो नथिंग मुझे नहीं पता मैं जानता हूं नथिंग नथिंग यानी कुछ भी नहीं अबाउट हिज वेयर अबाउट अबाउट हिज वेयर अबाउट मुझे उसके हालचाल के बारे में क्वेश्चन का मीनिंग यह निकलता है कि मुझे उसके हालचाल के बारे में कुछ नहीं पता क्या तुम्हें पता है क्या तुम्हें पता है तो जब हमारे पास ये वर्ड आता है क्या तुम्हें पता है तो उस परिस्थिति के अंदर आपने एक वर्ड यहां पर मिस्टेकन किया हालांकि मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं सर अच्छा, सर अच्छा भाई है ये मेरा बड़ा भाई है अरे भाई बहुत बढ़िया भाई कोई बात नहीं हम फिल्म भी देखेंगे भाई भाई इसी बात पर अभी फिलहाल यहां भाईचारा छोड़ो और टॉपिक को ध्यान दो टॉपिक को ध्यान दो भाई सबसे बड़ी चीज ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा तो वेयर अबाउट नहीं आता है वेयर अबाउट नहीं आता है यहां पर आएगा सही शब्द सही शब्द आएगा अब सपोज कीजिए जैसे मैंने एक वर्ड लिखा न्यूज सपोज कीजिए मैंने एक वर्ड लिखा न्यूज तो न्यूज के आगे से अगर मैं एस हटा दूं न्यूज के आगे से तो या तो वो वर्ड चेंज हो जाएगा या उसका मीनिंग नहीं निकलेगा पढ़ लो भाई टेक्स्ट बाद में कर लियो ओके जी चलो बहुत बढ़िया तो यहाँ पर न्यूज वर्ड के आगे से यदि हेस हटा दूं तो यहाँ पर उसका मीनिंग ही बदल जाएगा सेम उसी सिचुएशन की तरह वेयर अबाउट एक इनकम्प्लीट वर्ड है अनलेस वी यूज एस आफ्टर दैट अनलेस वी यूज एस आफ्टर दैट जब तक हम उस वेयर अबाउट के साथ में एस का प्रयोग नहीं करते हैं तब तक वह शब्द अधूरा होगा और अब जाकर जब इकट्ठा बनेगा तो याद रखिएगा एक साथ लिखा जाने वाला वर्ड बनेगा वेयर अबाउट जिसका अर्थ होता है हाल चाल जिसका अर्थ होता है हाल चाल तो यहां पर यह क्वेश्चन समाप्त होता है अब इसके बाद में कुछ परिस्थिति के ऐसे भी वर्ड आते हैं जिनकी मैं एक लिस्ट आपको दूंगा इस लिस्ट को आपने सुनना है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान से सुन लीजिएगा लिस्ट क्या है कि बहुत सारे ऐसे अनकाउंटेबल वर्ड हैं। मनीषा जी गुड मॉर्निंग हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं एस लगाते ही उसका मीनिंग बदल देते हैं एस लगाते ही उसका मीनिंग बदल देते हैं वो वर्ड्स में एक बार थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा दिखाना चाहूंगा ताकि वो चीजें आपको बहुत अच्छे से काम में आए वो वर्ड्स बहुत अच्छे से काम में आए उसकी एक लिस्ट देख लीजिएगा काफी काम आएगा जैसे हमने एक वर्ड लिखा एडवाइस एडवाइज एक वर्ड लिखा इस एडवाइज का राधे राधे वंदना जी राधे हाँ, राधे हमारे पास एक वर्ड आया क्या वर्ड आया एडवाइज एडवाइज के एक अर्थ में हम उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ये सभी वर्ड हम मान सकते हैं कि इस एडवाइस का एक मतलब होता है राय देना एक एडवाइस का अर्थ होता है राय देना और इसी एडवाइज को यदि मैं एडवाइसेस कर देता हूं सॉरी मैं पहले गलत बोल गया था दोस्तों लेकिन एडवाइसेस अगर हम बोलते हैं एडवाइसेस बोलते हैं तो वो वर्ड क्या आ जाएगा आपका एडवाइसिस यानी इंफॉर्मेशन ये वाला एडवाइसिस इंफॉर्मेशन है और ये वाला एडवाइस नाउन है ये वाला एडवाइस नाउन है तो जब नाउन है तो आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को फोकस करना है जैसे मैं एक लिस्ट लिख रहा हूं जैसे एक वर्ड आता है हमारे पास गुड गुड का मतलब अच्छा और दूसरा ही ऐसे हमने गुड्स लिखा तो इस गुड्स का मतलब हो जाएगा सामान सेम ऐसे ही एक वर्ड आता है हमारे पास वुड लकड़ी और वुड की जगह अगर दोस्तों मैंने यहां पर वुड्स लिख दिया तो इस वुड्स का मतलब हो जाएगा जंगल ऐसे ही एक वर्ड हम बोलते हैं स्पेक्टिकल एक वर्ड बोलते हैं स्पेक्टिकल स्पेक्टिकल का एक्चुअल में अर्थ होता है दृश्य एडवाइज नाउन है एडवाइज वर्ब है बिल्कुल ठीक है दीपक जी बिल्कुल सही कह रहे एस ई वर्ब है अगर मुझे पास्ट टेंस में लिखना है तो उस एडवाइज के साथ में दोस्त मैं डी लगा सकता हूं जबकि एग्जाम में ऑप्शन में यदि आ गया एडवाइज और आपने डी लगा दिया तो वो शब्द होता ही नहीं है वो शब्द होता ही नहीं है ऐसे शब्दों में प्रैक्टिस और प्रैक्टिस भी आता है और ऐसे और भी कई शब्द आते हैं याद रखिएगा अब आप इन चीजों को समझ लीजिएगा कि सपोज मैंने एक जगह लिखा फोर्स तो एक फोर्स का अर्थ होता है किसी चीज को खींचना या धकेलना एक वर्ड आता है फोर्सेस इस फोर्सेस का अर्थ होता है आर्मी इस फोर्सेस का अर्थ होता है आर्मी तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं ऐसे ही एक शब्द हमने बोला राइट right, इस राइट right का अर्थ होता है सही या गलत लेकिन मैं एस लगा दूंगा तो ये राइट्स बन जाएगा और राइट्स का अर्थ क्या बनेगा हमारे सामने इस राइट्स का अर्थ बनेगा क्या फंडामेंटल राइट्स. राइट्स का अर्थ बनेगा फंडामेंटल राइट ऐसे ही एक आखिरी शब्द बताता हूं दोस्तों अल्फाबेट और अल्फाबेट्स एक वर्ड आता है अल्फाबेट और अल्फाबेट्स बचपन में बहुत सारी टीचर्स होती थी स्कूल में हमारा कान पकड़ के खड़ा कर देती थी और कहती थी अल्फाबेट्स सुनाओ अब मजबूरी क्या थी पहली चीज हमें पता ही नहीं होता था कि अल्फाबेट क्या होता है और अल्फाबेट क्या होता है लेकिन हम लग जाते थे ए बी सी डी बिल्कुल गाने की फॉर्म में निकालते थे कि भाई ए फोर एप्पल बी फोर बॉल इस टाइप के वर्ड हम बोलते थे बट अब क्या नोटिस करना है कि अल्फाबेट असलियत में छब्बीस लेटर के समूह को बोला जाता है यानी से Z तक के सारे लेटर्स के ग्रुप को अल्फाबेट बोला जाता है अगर हम उसको प्लूरल बनाते हैं तो वो अल्फाबेट्स बन जाएगा और अल्फाबेट्स का मतलब ही क्या होता है अल्फाबेट्स का मतलब होता है हमारे पास भाषाएं अल्फाबेट्स का अर्थ क्या होता है भाषाएं ये चीज आपने याद रखना है तो कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं एक बार ऐसे ही एक बच्चे से पूछा मैंने कि सर क्वार्टर quarter और क्वार्टर्स में क्या डिफरेंस होता है क्वार्टर quarter और क्वार्टर्स में क्या डिफरेंस होता है वो नालायक मेरे तरफ हंसता है और इशारा करता है सर इसे क्वार्टर कहते हैं अब ये क्वार्टर नहीं है एक्चुअल में ये क्वार्टर नहीं है सबसे पहली बात क्या होती है हमारे एक फ्लो स्लैंग बन गया कि क्वार्टर का मतलब बस यही है क्यों भाई बटर में क्वार्टर नहीं होता है क्या चपाती में क्वार्टर नहीं होता है क्या आप किसी भी चीज का क्वार्टर कर सकते हैं यदि वो चीज दिख रही है आप उसके हिस्से कर सकते हैं तो उस परिस्थिति में क्वार्टर होता है वन बाय फोर वन बाय फोर को क्वार्टर कहते हैं इट नेवर मींस कि इसको क्वार्टर कहते हैं वो बस एक गलत मीनिंग हमने फिल्मों में देखकर फ्लैंग बना लिया क्वार्टर्स होता है लिविंग प्लेसेस तो इसी प्रकार से हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि ये वर्ड चाहे सिंगुलर में यूज हो चाहे प्लूरल में यूज हो याद रखिएगा चाहे सिंगुलर में यूज हो चाहे प्लूरल में यूज हो इनकी स्पेलिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनकी स्पेलिंग सदैव सेम रहेगी जैसे न्यूज कहते हैं तो न्यूज हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है तो इस लिस्ट को आपने बहुत अच्छे से समझना है कि वो उस समय में किस शब्द पर आधारित है और क्या मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा है तो जैसे मीन्स अब मीन्स के दो अर्थ होते हैं एक मीन्स का अर्थ होता है कहीं आने और जाने के एक मीन्स का एक अर्थ होता है सोर्सेस एक मीन्स का अर्थ होता है माध्यम और एक मीन्स का अर्थ होता है दोस्तों रुपया पैसा अर्निंग रुपया पैसा या अर्निंग अब जब मीन्स अगर रुपया पैसा या अर्निंग है और एक मीन्स है सोर्स ऑफ अर्निंग की जगह माध्यम आने और जाने का ट्रांसपोर्ट का या किसी भी चीज का तो वहां मीनिंग चेंज हो जाएगा ऐसे ही शीप डियर फाइन फिश एयरक्राफ्ट सैल्मन ट्राउट सीरीज बारक ये वर्ड्स की स्पेलिंग कभी चेंज नहीं होगी स्पेलिंग चेंज नहीं होगी याद रखिएगा इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे देयर आर सेवरल सेवरल में मीन का अर्थ होता है अर्थ निकालना मीन का अर्थ होता है किसी भी चीज का अर्थ निकालना लेकिन हम यहाँ क्या बोलने चाहते हैं सोर्सेज यानी रास्ते काफी सारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम अब यहां पर क्योंकि माध्यम की बात हो रही है तो आगे आएगा सर क्रॉलिंग नहीं आएगा क्रॉलिंग की जगह भावना जी क्या आएगा बताइएगा सांप जो चीजें जो चीजें पैरों पर चलती है उसके लिए वॉक आता है और जो चीजें पैरों पर नहीं चल पाती हैं रिगड़ती हैं जमीन पर उसके लिए क्रॉलिंग वर्ड का यूज ही किया जाता है उसके लिए क्रॉलिंग वर्ड का यूज किया जाता है और ध्यान से क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमने स्नेक वर्ड का इस्तेमाल किया था तो स्नेक के पैर नहीं होते हैं तो वो क्रॉल ही करता है वो क्रॉल ही करता है ये बात ध्यान दीजिएगा तो हमारे पास सही शब्द आ गया मीन्स मीन्स के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आप अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है माय मीन्स माय मीन्स अब मुझे नहीं पता कि ये की बात कर रहा है ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है किस चीज की बात कर रहा है लेकिन आगे बात आ रही है रुपए पैसे और सेविंग्स से संबंधित अब आगे आ रही है रुपए पैसे या सेविंग से संबंधित तो जब रुपए पैसे या सेविंग से संबंधित आ रही है तो उस परिस्थिति में क्या है सेविंग्स जो है डे पर डे होंगी तो माई मीन्स आर नॉट एनफ या इज नॉट एनफ

भाई रुपए पैसे या कमाई के इतने जरिए नहीं है रुपए पैसे या कमाई के इतने जरिए नहीं है कि मैं भविष्य के लिए कुछ जोड़ सकूं कुछ भी जोड़ सकूं तो एक बच्चे का आंसर आ रहा है इज एक का आ रहा है आर। दिमाग और भी थोड़ा सा सोचिए लगाए दिमाग पता चलेगा तभी पता चलेगा जब हम आगे बताएंगे जल्दी से देखते जाइएगा मेक इट फास्ट ट्राई टू गेट द आंसर आपके पास टोटल एक मिनट है राकेश कुमार आर और क्या आंसर पॉसिबल हो सकते हैं देखिए अभी तो बहुत सारे वर्ड हैं बहुत सारे बच्चे पेंडिंग है अभी आर आएगा दुष्यंत सिंह भी बोल रहे हैं दुष्यंत जी बिल्कुल ठीक बोलिए अभी आंसर हम बताएंगे आर आएगा इज आएगा अभी आप चेक कीजिए मेक इट फास्ट हरे आप लास्ट वन मिनट और है आपके पास जल्दी से देखिएगा ओनली वन मिनट यू हैव शिवांश इज चलिए देखते हैं सबसे पहली बात यहां पर बात हो रही है मींस यानी अर्निंग की अर्निंग की अर्निंग जाहिर सी बात अर्निंग के सोर्सेज की बात नहीं हो रही है अर्निंग के सोर्सेज की बात नहीं हो रही है जब अर्निंग के सोर्सेज की बात नहीं हो रही इट मींस ये वेजेस की बात कर रहा है तो उस परिस्थिति में इज आएगा आर का यूज नहीं होगा अर्निंग की बात हो रही है और अर्निंग का मोड की बात नहीं हो रही है केवल अर्निंग की बात हो रही है तो यहां पर सैलरी की बात हो रही है वो अनकाउंटेबल परिस्थिति में काउंट किया जाएगा और इज हमारा सही आंसर बनेगा अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है पढ़ते ही आपको आंसर मिल जाएगा कि हेडक्वार्टर नहीं होता है हेडक्वार्टर्स होता है हेडक्वार्टर्स होता है तो यहां पर केवल एक मिस्टेक है स्पेलिंग का जो कि बहुत इजीली आप समझ सकते हैं अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जब हम बढ़ते हैं तो यह बहुत इजी कॉन्सेप्ट के अंदर काउंट होता है बहुत इजी और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने आता है क्या कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट को समझना इस पॉइंट को समझना है कि भाई नॉर्मली काउंटेबल को अनकाउंटेबल बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं हम क्या क्या करते हैं इस पॉइंट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं ये ध्यान दीजिएगा ये वो लिस्ट है जो इजीली देखते ही समझ में आ जाएगी लेकिन अभी इससे रिलेटेड एक लिस्ट और आपके साथ में डिस्कस की जा रही है ध्यान से सुनिएगा क्या है ये लिस्ट बहुत अच्छे से समझना है आप देखिएगा सबसे पहली बात नॉर्मली हम क्या करते हैं नॉर्मली जब भी किसी भी वर्ड को प्लूरल बनाना होता है तो बचपन से एक चीज समझ में आती है और हमें समझाई गई है कि उस वर्ड के पीछे एस का प्रयोग कर दीजिए उस वर्ड के पीछे एस का प्रयोग कर दीजिए वो वर्ड अपने आप में ही प्लूरल बन जाएगा बहुत सिंपल तरीके से हमें समझाया गया अब यदि हमें समझाया गया है क्या कि एस लगाना है तो उसमें नाइनटी वर्ड्स की लिस्ट है जिसमें हम एस लगाकर कर बना लेते हैं तो चेयर्स काउज, पेंस ये एक बात इजी सा कॉन्सेप्ट है इसमें हमें ज्यादा आरएनडी नहीं करनी है। कोई मेहनत नहीं करनी है अब आ जाता है पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर नेक्स्ट कहता है कि वो सिंगुलर नाउन जो एस डबल एस सी एच एक्स एस एच, 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 एच जेड इसमें Z नहीं लिखा है आप चाहें तो इस Z को लिख लीजिएगा कि जो जो शब्द एस डबल एस C H एक्स Z एस H ऐसे शब्दों पर अंत होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए आप का प्रयोग करते हैं उन शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए आप का प्रयोग करते हैं उनके लिए ई एस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे पहले जैसे देखिए वर्ड आया ब्रश कई लोग इसे ब्रूश पढ़ते हैं ब्रुश ब्रश नहीं होता है इट्स ब्रश अब बात करें यदि ब्रश की तो दोस्तों ब्रश की जब आप बात करते हैं तो ब्रश एस एच पर एंड होता है तो ब्रशेस ब्रांच सी एच पर एंड हो रहा है तो ब्रांचेस ग्लासेस डबल एस आ गया बसेस एस पर फॉक्सेस बुशेस चर्चेस क्लासेस आप आगे वर्ड का यूज कर सकते हैं आपने एक वर्ड पढ़ा होगा क्विज यूज किया जाता है क्विज क्विज कॉन्टेस्ट तो ई एस से लगाकर उसका प्लूरल बनता है क्विज बनता है बहुत सिंपल तरीके से खैर ये एक इजी सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं जो शब्द हमारे पास जो शब्द हमारे पास में है, क्या है वाई पर एंड होते हैं लॉजिक समझना है वाई पर एंड होते हैं लेकिन वाई से पहले वाला वर्ड लेटर आपके पास कॉन्सोनेंट है वाई से पहले वाला लेटर आपके पास कॉन्सोनेंट है तो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो आपने उन शब्दों में वाई को रिमूव करके आई ई एस का प्रयोग करना है वाई को रिमूव कर देंगे और बहुत साधारण तरीके से आई एस का प्रयोग कर देंगे तो बेबीज लेडीज सिटीज आप यूज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में इसमें कोई लॉजिक नहीं है बस आपको यह याद रखना है कि वाई है और वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है जैसे आर आर क्या है कॉन्सोनेंट है वोवेल और कॉन्सोनेंट का छोटा सा कंसेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूं वोवेल का अर्थ होता है ए ई आई ओ यू अब जब आपके वाई से पहले वोवेल आ रहा है वाई से पहले अगर vowel आ रहा है तो वहां पर आपने वाई को रिमूव नहीं करना है जस्ट एस का प्रयोग कर दीजिए और वो वर्ड प्लूरल बन जाएगा वो वर्ड आपका प्लूरल बन जाएगा ये चीज याद रखना है जैसे कि टॉयज डेज वैलीज बॉयज keys आप क्या कर रहे हैं केवल एस का प्रयोग कर रहे हैं तो अभी तक इसमें कोई आपत्ति नहीं है कोई रॉकेट साइंस नहीं है कुछ वर्ड ओ पर अंत होते हैं तो उनके साथ में हम ई एस का यूज कर देते हैं जैसे मैंगोज मस्कीटोज पटेटोज पटेटोज बफेलोज लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो डबल वॉविल पर अंत होते हैं डबल वॉविल पर जैसे डबल ओ डबल ई e. तो उन सभी के साथ में आप ई एस नहीं एस का प्रयोग करेंगे और क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे जूज ट्रीज बैम्बूज जो वर्ड डबल पर अंत होते हैं खैर इस तक में अभी तक कोई आपत्ति नहीं है अब आपने कुछ पॉइंट्स को समझना है यहां पर कुछ पॉइंट्स को समझ लीजिए एक पॉइंट और है कि जो शब्द एफ और एफ e पर अंत होते हैं वहां पर आप एफ या एफ ई e को हटाकर e का प्रयोग करते हैं लेकिन ये है वैलिड नहीं है क्योंकि इसका कोई लॉजिक कभी नहीं बताया कि वीई एस e को हटाकर कई बार हम एस का भी यूज करते हैं एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको जैसे मैंने एक शब्द लिखा वाइफ यहां पर वाइफ के अंत में आप नोटिस कीजिए क्या लिखा हुआ है ई -E का अंत लिखा हुआ है ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा थीफ़ स्पेलिंग चेक करके बताते चलिएगा कहीं भी कोई भी इशू हो बताते चलिएगा और स्पेलिंग कई बच्चे थीफ़ की ई आई एफ का प्रयोग करते हैं जो कि गलत है जो कि बिल्कुल गलत है लेकिन ऐसे ही हमने एक शब्द लिखा प्रूफ मिशीफ क्लिफ ऐसे शब्द आ रहे हैं तो सबसे पहली बात एफ या एफ ई e वाले लॉजिक में कभी भी आपके साथ में एग्जैक्टली exactly कोई ये लॉजिक नहीं बता पाएगा कि किस में सिंपल याद रखिएगा जो शब्द एफ या एफ ई e पर अंत होते हैं उन शब्दों में हम वीई एस का प्रयोग करते हैं और जो शब्द एफ या एफ ई e पर या डबल एफ पर अंत होते हैं उनके साथ हम एस का भी प्रयोग करते हैं इसीलिए कई जग...

पॉइंट नंबर टू कि जरूरी नहीं है कि हम हर वर्ड को एस या ई एस लगाकर प्लूरल बनाए बहुत सारे वर्ड्स मैं लिखने वाला हूं जिन वर्ड्स को हम प्लूरल तो बना रहे हैं लेकिन एस एफ या ऐसे वर्ड्स को लगा नहीं रहे हैं प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं ये देखते चलिएगा इसके बाद बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा फिर क्वेश्चंस के अंदर जो एक आधा पॉइंट अगर रह गया होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे तो चलिए एक बहुत छोटा सा वर्ड मैंने बोला लिखते चलिएगा काम आएगा सबसे पहले वर्ड मैंने बोला एजेंडम सबसे पहले एक छोटा सा वर्ड मैंने बोला एजेंडम ये डम में यूएम वाला वर्ड बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा इस डम में ये यूएम वाला वर्ड बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा इस एजेंडम के अंदर हमने डम को डी यू एम में यूएम को रिमूव कर देना है क्योंकि ये सिंगुलर है और यदि मुझे प्लूरल बनाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा एजेंडा तो जिस वर्ड में यूएम लिखा आ रहा है आप उस यूएम को रिमूव कर देंगे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जैसे एक वर्ड आया एरेटम आ रहा है एरेटम एरेटम प्रिंटिंग मिस्टेक को बोला जाता है बैक्टीरियम बैक्टीरियम भी आपका आपने सुना होगा वर्ड बैक्टीरिया बनता है ऐसे ही वर्ड आता है सेनेटोरियम प्लानिटोरियम आपके जिस वर्ड में ओ एम और ऐसे वर्ड आ रहे हैं एम का साउंड आ रहा है आप उसको रिमूव करके अ का यूज कीजिए प्लूरल बन जाएगा बिल्कुल मोहम्मद कैफ सही है आपका आंसर अगला वर्ड आता है बैंडेट अगला वर्ड आता है बैंडेट किताबों में बैंडेट का प्लूरल बैंडेट भी होता है और बैंडिटी भी होता है बैंडिटी बैंडिट्स भी होता है बैंडिटी भी होता है ये चीज याद रखिएगा लेकिन अगर आप राइटिंग की बात कर रहे हैं तो डबल टी आई आपका सही आंसर होगा बेंडिटी होगा बैंडिट्स नहीं होगा तो कई वर्ड्स को प्लूरल बनाते समय में आपके साथ में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं जैसे एक वर्ड आपने लिखा होगा थीस और एक वर्ड लिखा होगा थी दोनों का अर्थ होता है जैसे आपने सुना होगा आप अक्सर थीसिस लिखते हैं अपने टॉपिक्स के तो थीसिस में स्पेलिंग का मिस्टेक देखिएगा एक सिंगुलर, एक प्लूरल ऐसे ही आपने कई जगह लिखा होगा बेसिस और बेसिस तो ये दोनों ही वर्ड में एक सिंगुलर है एक प्लूरल है बच्चे को पजल करने के लिए ऐसी लिस्ट दी जाती है थीव्स थीव्स आपने लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नेक्स्ट पॉइंट केवल दो मिनट का है दोस्तों जल्दी से लाइक like करते जाइए दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है मेहनत आपके साथ चल रही है Concept आपको मिल रहे है, मिल रहे हैं कंटेंट रहा है लाइक like करना मत भूलिएगा दोस्तों ताकि हम भी और अच्छे कंटेंट्स के साथ में आए अब अगला पॉइंट आ जाता है कंपाउंड नाउन मात्र एक छोटा सा पॉइंट जिसके बाद एक टॉपिक और क्लास आज की हम यहीं पर रोक देंगे कंपाउंड नाउन का अर्थ होता है जब दो नाउन को एक साथ आप जोड़कर लिखते हैं जब दो नाउन लिखते हैं लिखते हैं जोड़कर अब कई बार दो नाउन जोड़ दिए जाते हैं कई बार तीन नाउन जोड़ दिए जाते हैं कई बार नाउन प्लस प्रीपोजिशन आ जाती है तो उन लॉजिक को समझना है सबसे पहला पॉइंट क्या है साधारण शब्दों में कहें तो जब दो नाउन आ रहे हैं तो प्लूरल सदैव बाद वाले का बनेगा पहले वाले का नहीं बनेगा पहले वाले नाउन का प्लूरल नहीं बनता है जैसे मैंने कहा वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन फाइव तो एक यूनिट हो गया एक नंबर हो गया आगे हमने लिखा स्टार्स एक नाउन हो गया और नाउन हो गया। फाइव के आगे स्टार्स भी आ गया और होटेल्स भी आ गया तो ऐसी परिस्थिति के अंदर डबल प्लूरल नहीं बनता है आप दोनों शब्दों का प्लूरल नहीं बनाएंगे अगर आप दोनों शब्दों का प्लूरल बनाते हैं तो ये शब्द गलत हो जाएगा ये शब्द गलत हो जाएगा आप केवल प्लूरल किसका बनाएंगे आगे वाले नाउन का तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर नहीं आएगा क्या आएगा क्या फाइव स्टार एक्चुअल में मेन नाउन हो गया होटल एक्चुअल में मेन नाउन हो गया होटल मेन नाउन है होटल होटल की कॉन्फिगरेशन कह लो उसकी रेटिंग कह लो या उसकी क्वालिटी कह लो तो वो है फाइव स्टार ना कि फाइव स्टार एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है इसी प्रकार से अगला एक क्वेश्चन आया लेजर लेजर्स ये बीम से होने वाले लेजर बीम से होने वाले ऑपरेशन जितने भी हैं आंख का टमी का पथरी का जो भी है उसके लिए का यूज होता है तो आर टूल्स टूल कोई वर्ड नहीं होता है टूल्स ही होता है फॉर डेलीकेटेड देखो आईज भी है और सर्जरी भी है सर्जरी नाउन हो गया नाउन से पहले वाला वर्ड कभी भी प्लूरल नहीं बनता है ये चीज आपने याद रखना है अब इसी पॉइंट से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि यदि कोई भी शब्द दो नाउन के अंदर मैन या विमेन से स्टार्ट हो रहा है मैन टीचर मैन डॉक्टर वेमेन डॉक्टर मैन डॉक्टर वेमेन डॉक्टर सबसे पहली बात एक चीज याद रखिएगा कई लोग क्या करते हैं लेडी डॉक्टर बोलते हैं लेडी डॉक्टर नहीं आएगा या तो मेन डॉक्टर होगा या विमेन डॉक्टर होगा लेडी डॉक्टर शब्द का प्रयोग मत किया कीजिए वो सही नहीं है तो आपको यदि दो नाउन आ रहे हैं और दोनों नाउन की शुरुआत मेन या विमेन से हो रही है तो प्लूरल दोनों का बनेगा तो प्लूरल दोनों का बनेगा और उस परिस्थिति में आप लिख सकते हैं मेन डॉक्टर्स और वेमेन डॉक्टर्स याद रखिएगा यदि कोई भी वर्ड मैन या वेमेन यानी जेंडर को इंडिकेट करने के लिए आ रहा है तो उस परिस्थिति के अंदर दोनों का प्लूरल बनेगा अदरवाइज दोनों का प्लूरल नहीं बनेगा मॉडिफायर्स कांट बी मेड प्लूरल परफेक्ट वंदना जी परफेक्ट आंसर है मॉडिफायर्स को आप प्लूरल नहीं बना सकते हाँ मॉडिफायर्स के लिए एक लाइन याद रखिएगा वंदना जी क्या है कि यदि आप द के साथ में एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और केवल लिख देते हैं द पुअर तो द पुअर अपने आप में ही प्लूरल बन जाएगा उसका एस या एस लगाने की जरूरत नहीं होगी और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वो अपने आप में ही अपने आप में ही नाउन बन जाएगा दिखने में एडजेक्टिव होगा फंक्शन उसका नाउन का होगा तो दोस्तों आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमारे द्वारा दिए गए एफर्ट्स पसंद आएंगे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सरावर डाउट वंदना जी बताइएगा प्लीज बताइएगा मैं बताऊंगा डाउट पूछिए कम्युनिटी uh, शो कर देता है कम्युनिटी शो कर देता है uh, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा मैम मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा कम्युनिटी क्या शो करता है वैसे रिलेटेड और नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और इसमें इसी वर्ड से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन दिखाएंगे डोंट वरी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस कम्युनिटी से रिलेटेड तो हम उनको डिस्कस करेंगे आज के लिए हम रोक रहे हैं क्लास क्योंकि नेक्स्ट हमारे मैथ्स का क्लास है तो आपका ये डाउट मुझे याद रहेगा मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा सर ये मैन टीचर में मैन एमियन है तो प्लूरल होता है जी बिल्कुल ये शो करता आता है पता नहीं चलता कि वो है, है। इसीलिए वो कॉमन जेंडर में आता है लेकिन मेन टीचर या वुमेन टीचर में कॉम्युनिटी की बात आएगी बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आज की क्लास हम यहीं पर रोक रहे हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट क्लास में ठीक है लाइक करते रहिएगा दोस्तों धन्यवाद थैंक यू